नमस्ते सदावत सले मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने वाले हैं और इस आधिकारिक यात्रा में भारत अमेरिका के साथ सैन्य संबंधों को मजबूत करने और रूसी सैन्य हार्डवेयर पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए बातचीत कर सकता है और इस मीटिंग में चर्चा का विषय अमेरिकी इंजन F414 रहेगा जिसे कि भारत में स्थानीय रूप से बनाया जाना है और जनरल इलेक्ट्रिक पहले ही F414 इंजनों को भारत में निर्मित करने की बात कह चुका है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने जनरल इलेक्ट्रिक से भारत में F414 इंजन के निर्माण की योजना के बारे में पूछा था जिसमें कि भारत को इस इंजन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में जनरल इलेक्ट्रिक से पूछा गया था। दरअसल F414 इंजन वही है जो कि तेजस मार्क 2 और AMC फाइटर जेट को पावर देंगे और 2035 में तेजस मार्क 2 इंडियन एयरफोर्स के जागुआर MiG-29 और मिराज 2000 की जगह लेंगे और अगले दशक में 170 यूनिटें तेजस मार्क 2 की भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगी। दोस्तों इस इंजन के भारत में बनने से न केवल भारत अपनी रक्षा क्षमताओं का निर्माण करेगा बल्कि इससे घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को भी एक बढ़ावा मिलेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत फोर्स को रक्षा मंत्रालय से 300 एडवांस स्टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि अटैक्स खरीदने की मंजूरी मिल गई है जिसे कि टाटा डिफेंस एंड एरोस्पेस और राज्य के सहयोग से विकसित किया गया है और कहा जा रहा है कि इस साल के अंत में अटैक्स खरीदने के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। दरअसल इस समझौते के तहत भारत फोर्स और टाटा डिफेंस एंड एरोस्पेस संयुक्त रूप से 60% और 40% अनुपात में अटैक्स का निर्माण करेगी जिसमें सबसे कम बोली लगाने वाले को 60% जो अटैक्स हैं उन्हें बनाने का अवसर मिलेगा। दोस्तों अटैक्स को भारत की एक महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में देखा जाता है खासकर की चीन के साथ चल रहे सीमा गतिरोध को देखते हुए जहां पीपल लिबरेशन आर्मी ने महत्वपूर्ण संख्या में 155 mm बटे 52 कैलिबर के हवजर तोपों को तैनात किया। अटैक्स को आर्टिलरी क्षमताओं के मामले में एक गेम चेंजर कहा जाता है और इससे भारत की रक्षा क्षमताओं में भी वृद्धि होगी। ATAGS यानी कि अटैक्स कई वर्षों से अपने डेवलपमेंटल फेज में चल रही है। भारत फोर्स और टाटा डिफेंस और एरोस्पेस दोनों ने इसके अनुसंधान और विकास पर काफी इन्वेस्टमेंट किया है। अटैक्स भी एक 155 mm बटे 52 कैलिबर गन है जिसकी रेंज 40 किलोमीटर से अधिक है और इसकी फायरिंग रेट 6 से 8 राउंड प्रति मिनट है। साथ ही ये जो गन है वो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है जिसमें कि ऑटोमेटेड एमुनेशन हैंडलिंग डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम और फुली इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ है। ये दुनिया की सबसे मोस्ट एडवांस आर्टिलरी गन कही जाती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हाल ही में तेजस मार्क 2 के बारे में हमने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसमें एक कंडीशन लगा दी है। वो कंडीशन ये है कि जब तक अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन F414 इंजन की पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत को नहीं देता है तब तक इसके लिए फंड रिलीज नहीं किया जाएगा। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि फंड में देरी होने से इस प्रोग्राम में कई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकते हैं। दोस्तों कुछ खबरें ये भी आई थी कि डिफेंस एक्सपो के दौरान करीबन 16 देशों ने यानी कि 16 कंट्रीज ने तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के बारे में डिटेल्स पूछी थी लेकिन इस तरीके की देरी होने से इस फाइटर जेट के एक्सपोर्ट पोटेंशियल में प्रभाव पड़ सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। 200 किलोमीटर रेंज वाली DRDO के द्वारा बनाई गई स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन इसे अब अपग्रेड किया गया है। इसका नया वेरियंट 100V2 होगा जिसका फैब्रिकेशन शुरू हो चुका है और ये एक लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ प्रिसीजन एयर टू सरफेस हथियार होगा जिसकी एक बढ़ी हुई रेंज होगी। 100V2 में इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर होगा जो कि इसकी एक्यूरेसी को यानी कि सटीकता को बढ़ाएगा और साथ ही हार्श इन्वायरमेंट कंडीशन में भी इसे बचाएगा और इसमें ऑटोमेटिक टारगेट एक्विजिशन क्षमता भी होगी और ये GPS जामिंग नेविगेशन और टारगेट लोकेशन एरर पर भी काबू पा सकती है और ये फिक्स टारगेट को इंगेज कर सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना को 3 MS-60 मल्टी रोल जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स हैं वो पिछले साल जुलाई में मिल चुके हैं। लॉकेट मार्टिन इस हेलीकॉप्टर की 24 यूनिट्स भारत को देगा 2025 तक लेकिन कुछ खबरें ये आ रही कि भारतीय नौसेना MS-60R हेलीकॉप्टर्स की कुछ यूनिट्स और खरीद सकती है जो कि फॉरेन मिलिट्री सेल प्रोग्राम के तहत खरीद जाएंगे। हालांकि कितनी संख्या में खरीदे जाने इस बारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन ये एक छोटा ऑर्डर हो सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस के मार्केटिंग हेड ने कहा कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डिलीवरी फिलीपींस को दिसंबर 2023 तक हो जाएगी और इस डिलीवरी के बाद फिलीपींस की नौसेना ने जो ट्रेनिंग ले रखी है सिस्टम पर अब वो इसे ऑपरेट करने लगेगी। ये नहीं, ब्रह्मोस एरोस्पेस के मार्केटिंग हेड ने कहा कि हमने ब्रह्मोस मिसाइल के जो कुछ टेक्निकल इश्यूज थे उन्हें भी फाइनल कर दिया है और अब कंपनी को उम्मीद है कि फिलीपींस की आर्मी भी ब्रह्मोस मिसाइल का कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही देगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने अब अपना एक लेटेस्ट अपग्रेडेड नेत्रा V4 Pro UAV लॉन्च किया है जिसका फ्लाइट टाइम 90 मिनट का है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 15 किलोमीटर की है और इसका 20x HD ऑप्टिकल जूम है और इसमें 640x1480 थर्मल कैमरा होगा जो कि 4x डिजिटल जूम के साथ होगा।
इसकी डिटेक्शन रेंज 400 मीटर की होगी और ये टेरेन अवॉइडेंस, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग क्षमता के साथ होगा। तो फिलहाल ये था अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने में कोई प्रश्न जवाब है आपको, कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।